नमस्कार साथियों, आज समाज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर रविंदर मलिक। हरियाणा में अक्टूबर माह में चुनाव लंबित है। आज हम बात करेंगे जो इन्वेस्टिगेटिव जांच एजेंसी है ईडी, उसके द्वारा हरियाणा में कांग्रेस विधायकों पर की जा रही लगातार कार्रवाई की। पिछले 2-3 महीने की अवधि में हरियाणा में कई कांग्रेस विधायकों पर कार्रवाई की जा चुकी है। पिछले सप्ताह में हम देखें, सप्ताह से भी कम समय में 2 विधायकों, खासकर पूर्व जो सीएम हैं कांग्रेस के बड़े दिग्गज हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़े एक मामले में भी कार्रवाई की गई है। हरियाणा के 3 विधायकों पर ईडी द्वारा पिछले कुछ समय में कार्रवाई की गई है। इसमें जो संभालका से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर हैं, सोनीपत से सुरेंद्र पवार हैं और जो तीसरे विधायक हैं महेंद्रगढ़ से हुड्डा के करीबी रावदान सिंह हैं। इन 3 विधायकों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। जहाँ सरकार कह रही है कि ये जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, प्रवर्तन निदेशालय, वो एक स्वायत्त संस्था है और जो गलत होगा उसके खिलाफ उसको कार्रवाई का अधिकार है, वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि जानबूझकर चुनाव से एन पहले ये कार्रवाई भाजपा सरकार द्वारा की जा रही है ताकि विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा सके, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। जहाँ भाजपा कह रही है कि ये जाँच एजेंसी का अधिकार है और सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है और ये इसलिए नहीं किया जा रहा कि ताकि चुनाव नज़दीक है, तो वहीं कांग्रेस भी हर संभव कोशिश कर रही है कि जो ईडी की कार्रवाई है इसको जनता के बीच में इस तरह से लाया जाए जिससे जनता में संदेश जाए कि सरकार जानबूझकर ये कार्रवाई कर रही है। हम बात करेंगे अब 3 विधायकों पर क्या क्या कार्रवाई की गई है। बता दें कि जो संभालका से विधायक है उन पर करीब जो 1400-1500 लोगों से 360 करोड़ की राशि लेकर उनको फ्लैट दिए जाने थे गुड़गांव में, जो कि उनकी कंपनी जो फर्म है जिसके द्वारा पैसा लिया गया वो नहीं दिए गए। वहीं बात करें फिर महेंद्रगढ़ से जो कांग्रेस विधायक रावदान सिंह की, उनके ऊपर भी जो करीब 1400 करोड़ का जो लोन या मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उसकी जांच जारी है और उन पर शिकंजा कसा गया है और उनके जो परिजन हैं, घर वाले हैं, उनसे भी पूछताछ की गई है। वहीं हम बात करें जो सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार, ये भी हुड्डा के काफ़ी करीबी हैं। ये इनका जो एक खुद माइनिंग का काम है जो हरियाणा और राजस्थान में फैला हुआ है, इन पर एक माइनिंग के मामले में इन पर जो कार्रवाई हुई तथाकथित 25 करोड़ के घोटाले का एक मामला है जिसमें इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। और पहले इनको करीब 3-4 दिन पहले इनको पहले इनके आवास से दिल्ली ले जाया गया जहां इनको पेश किया गया ईडी कार्यालय में, उसके बाद वापस घर लाया गया, उसके बाद घर में इनके जो दस्तावेज हैं इनसे इनको चेक किया गया, पूछताछ की गई, उसके बाद इनको अम्बाला कोर्ट में पेश किया गया, वहाँ से जो इनको इनका रिमांड मांगा गया और वहाँ से कोर्ट के द्वारा इनका 9 दिन का रिमांड दिया गया है और ये आने वाली जो 29 जुलाई है तब तक ये ईडी के रिमांड पर रहेंगे। इस लिहाज से देखा जाए तो ईडी द्वारा व्यापक पैमाने पर कांग्रेस जो विधायक उन पर कार्रवाई की गई है। इनके अलावा एक चौथा मामला है जिसमें अभी ये जो राव दान सिंह है उनके मामले के बाद हुड्डा से जुड़े एक मामले में जो M3M कंपनी है उससे जुड़ा मामला, इसमें तथाकथित रूप पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम है, उसमें उस मामले में बड़े पैमाने पर जो जमीन सीज की गई है जो 88 एकड़ में है, तो ये भी एक अपने आप में बड़ा मामला है जहां विपक्ष लगातार कह रहा है कि जो ईडी है ईडी का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, तो वहीं सरकार और उसके मंत्री कह रहे हैं इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है और ये पूरी तरह से एक निष्पक्ष कार्रवाई है और सरकार का इस बात से कोई मंतव्य या कोई लेना देना नहीं है कि चुनाव से पहले ऐसा किया जा रहा है। धन्यवाद।